रांची जमीन के असली हकदार और उनके वंशज को उनकी जमीन से बेदखल दबन गई। प्रशासन और दलालों की मदद से उनके जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। इस साजिश में लेकर प्रशासन से लेकर थाना स्तर पर मामले को दबाया जा रहा है। इसमें कई लोगों की मिलीभगत भी साफ नजर आती है। एक ऐसा ही मामला ग्राम मौजा चुट्टू, थाना संख्या 164, खाता संख्या 98, प्लॉट संख्या 246, 247, रकबा 34 डिसमिल, 35 डिसमिल जो की रेती जमीन है। पंजी 2 के भाग में पृष्ठ संख्या 98 में दर्ज है। रिना क्षेत्र का है, सुनिए पीड़ित पक्ष ने क्या कहा। सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि 98 खाता जो हम लोग का है उसमें चार खतियानी मालिक है, ठीक है। चार खतियानी मालिक है, शेख वाद अली है, शेख संतो है, शेख मोहम्मद है और शेख अब्दुल है। ये लोग चारों बेटा है शेख अल्फू का, ठीक है। ये लोग का एक हिस्सा बनता है। दूसरा है शेख जुमन वल्द खुदा बख्श, दूसरा हिस्सेदार हुआ, ठीक है। और तीसरा है रहमत अली, रहमत सलामत और शेख जतन पेशरान वजीर, ये वजीर के चारों बेटे हैं। ये तीसरा हिस्सेदार हुआ वो मुस्माद जहनू डॉक्टर अला बख्श, जिसका हम सभी वंशज है, ठीक है। ये चौथा हिस्सेदार हुआ। इस हिस्से को वो लोग जबरदस्ती मतलब अपना कब्जा में लेना चाहते हैं, ठीक है। और उनका कहना है कि इसका हिस्सेदार है ही नहीं, जबकि ये खतियान हम लोग का खतियान बनाया हुआ नहीं है। ये 1932 में जो खतियान बनाया यही खतियान उन लोग के पास भी है, लेकिन ये चौथा हिस्सेदार को लोग सिरे से दरकिनार कर देते हैं। और इसका जितना भी जमीन है सब पर जबरदस्ती कब्जा किए हुए हैं। हम लोग जा करके 3-4 बार उन लोग से मिले भी, लेकिन उन लोग पूरा जमीन हड़पने का साजिश किया हुआ है। जबकि इन लोग का रसीद ऑलरेडी जितना इसका हक बनता है उतना का रसीद कटा चुका है, उसके बाद भी हम लोग के हिस्से की जमीन को ये लोग हड़पना चाहता है। हम आपको दिखा रहे हैं उन लोग का जो हक बनता है 3 एकड़ 37 इसमें उन लोग का हक बनता है जमीन में, और उन लोग 4 एकड़ 27 इसमें जमीन का ये लोग रसीद कटवा चुका है। और जिस जमीन में हम अपना कब्जा करने गए थे, जो हमारी हिस्से की जमीन है, हम उसमें गए थे, उसमें भी वो लोग प्रशासन का साथ लिया और जबरदस्ती प्रशासन जो उस जगह आए तो उस जगह प्रशासन को पेपर देखना था कि हाँ दिखाओ दोनों पक्ष आए हो आपस में दोनों पेपर दिखाओ, तो प्रशासन क्या है एक तरफा बात की। फिर हम तुरंत बड़ा बाबू को फोन लगाया कि सर यहाँ एक तरफा बात हो रहा है। फिर बड़ा बाबू उनको फोन किए कि अभी दोनों पक्ष को उस जगह से हटाओ, तब फिर वो क्या है हम लोग वहां से हटे और उन लोग को भी हटाया गया, ठीक है। ये रसीद ये सबूत देता है कि 246-47 देखिए इसी के सब वो लोग वंशज है, शेख अलीजान वगैरह के नाम से कट रहा है, अलीजान मियाजान और सहीजान इसी के सारे वंशज है। इस रसीद में दिखाए एक जगह भी 246-47 प्लॉट नहीं है, इसलिए कि उन लोगों को जो हिस्सा में मिला था उसमें 246-47 प्लॉट था ही नहीं। 1976-77 में जब मौखिक बंटवारा हुआ जमीन का, उस वक्त जो उन लोग के हिस्से में मिला वो ये सारा जमीन है और उन लोग 246-47 प्लॉट में जाता है, जबकि वो उसको हिस्से में नहीं मिला। उन लोगों की जमीन नहीं है तो वो लोग सरकार से कैसे पैसा उठाएंगे? रोड इसका क्या उठाए ये लोग? मुबारक अंसारी, बिलाल अंसारी, ग्यासुद्दीन अंसारी और शेख अलीजान के लोग बेटे हैं, जसीमुद्दीन, नसीबुद्दीन, ये सब मियाजान के बेटे हैं, कुर्बान अली, नूरुद्दीन, ताजुद्दीन, ये सब सहीजान के बेटे हैं। ये सारे लोग क्या है सरकार से पैसा उठाए। सरकार जितनी भी जमीन भू अर्जन विभाग के द्वारा लेती है बहुत सारे लोग क्या है उसमें भी करते हैं धोखाधड़ी। ये लोग भी वही धोखाधड़ी किए हैं, ठीक है। ये पैसा किस आधार पर उठाए जब उसका बाप का जो रसीद कट रहा है अलीजान के नाम से उसमें वो प्लॉट दर्ज नहीं है, वो पैसा कैसे उठाए? ऐसा बोला जा रहा है कि आप वंशज में नहीं आते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। हम उसका भी सबूत देते हैं, ठीक है, उसका भी हम सबूत देते हैं कि आप देख लीजिए ये 98 खाता में यहाँ पे मुस्माद का मीनिंग आप हमको बताइए कि मुस्माद का मीनिंग क्या होता है, आप ही बताइए हमको। विडो होता है मतलब बेवा होता है। जब 1932 में जब सर्वे हो रहा था उस वक्त उसको बेवा बताया गया है, ठीक है। तो जब ये बेवा हुई तो देख लीजिए आप, ये मेरा इरबा का खतियान है, इरबा का खतियान में उसका बेटा साहबली शेख का नाम से चढ़ा, इसलिए कि उसको बेवा हो चुकी थी, उसका जो हस्बैंड है वो रोजन से वो डेथ कर चुके हैं। इरबा का खतियान उसका बेटे का नाम से चढ़ा। उन लोग का कहना है कि हम लोग उसका वंशज नहीं, उसका कहने से नहीं ना होगा, ये मेरे पास कागजी प्रूफ है। वो लोग जितना भी बात बोला है सब मुंह से बोला है और हम सब पेपर के थ्रू दिखा रहे हैं कि कौन सच है और कौन झूठ है, ठीक है। वो लोग मुखिया से भी मिलीभगत किया है, मुखिया के पास हम लोग 3-3 बार गए साइन करवाने के लिए। क्या नाम है मुखिया का? मुखिया सोमनाथ मुंडा थे उस टाइम, अभी प्रमुख बने हुए हैं। और ये जो नया मुखिया बनी है उसको भी लिख करके दे दिया कि अगर मेरा घर का भी कोई जाएगा तो साइन नहीं करना है। नया मुखिया का क्या नाम है? नया मुखिया कौन है उसका नाम नहीं पता, बट अभी जो नया चेंज हुई है उसको भी लिख करके दे दिया है। तो उससे कोई ये नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा तो ऑलरेडी यहाँ पे मेरा इरबा का खतियान से वो मैच कर रहा है कि वो उधर बेवा होगी उधर इसका इरबा में उसका बेटा का नाम से खतियान बना है। ये भी 1932 का ही खतियान है, यहाँ उसका बेटा का नाम चढ़ा वहाँ इसलिए कि उसका रोजन डेथ कर चुके थे तो वहाँ उसका मुस्माद चढ़ा। ये मेरा प्रूफ है और मेरा ये इरबा का वंशावली भी आपको दिखा दे रहे जिसमें मेरा मुखिया ये साइन की है। मेरा मुखिया इस चीज को साबित की इरबा का हम खतियान वंशावली भी दिखा रहे हैं आपको।
सहबली शेख, पिता रोजन शेख, माता मुस्मा जहनू और इसी के हम सारे वंशज है। ये हमारा मुखिया के द्वारा सत्यापित वंशावली है। सरकार से यही मांग करते हैं कि हमको जो हम लोग 240-47 प्लॉट बेचे हैं उस जमीन में हमको कब्जा दिलाया जाए। प्रशासन से भी हम यही मांग करते हैं। बहुत 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 निराश है। निराशा तो इतनी है कि मत पूछिए। वो हमारा अपना हक की जमीन है और हमको भटकाया जा रहा है। जमीन दलालों से किस तरह परेशान है? बहुत परेशान है। जमीन दलाली वहाँ हम लोगों को परेशान करते हैं। ऐसा है ना कि उन लोग सारा गलत है, पूरा गलत का गलत है। इन लोग खतियान को झुठलाता है, खतियान कभी मरता नहीं है। और खतियान में उन लोग 4 शेयर है, उन लोग बताता है 3 शेयर है। ये तो सारा सा झूठ है। उन लोग बताता है कब्जे के हिसाब से हम लोग का बंटवारा हो चुका है। उन लोग को पता नहीं कि कब्जे से बंटवारा नहीं होता है, खतियान से ही बंटवारा होता है। इसी तरह उन लोग सारा जालसाजी करके गोरजन से भी पैसा उठा लिया है। इसका भी हम लोग वहाँ केस करने जा रहे हैं। क्या लगता है आज आवाज़ आप लोग नहीं उठाएंगे तो सबकी जमीन एक एक करके हड़प ली जाएगी? एकदम बिल्कुल बिल्कुल हड़प ली जाएगी। इस तरह से अगर दलाल लोग साथ देगा ऐसे गलत लोगों का, प्रशासन का साथ देगा, प्रशासन उन लोगों गलत लोगों का साथ देगा, तो इस तरह से सारा जमीन हड़प लिया जाएगा गरीब लोगों का। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।